अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इको 401 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन का पार्ट टू करेंगे। लास्ट वीडियो पे हमने 29 लेसन कवर कर लिए थे, आज हम 30 स्टार्ट करेंगे और पार्ट टू स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कांडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपको असाइनमेंट, GTP और शॉर्ट लेक्चर प्रोवाइड होते रहें टाइम टू टाइम, तो कांडली चैनल को सब्सक्राइब के साथ ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। तो चलिए आए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम डिटरमिनेशन एंड इक्विलिब्रियम इनकम, द की वेरिएबल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल। जैसे कि आपको पता है कि हर मॉडल के कुछ ना कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेस है, जो चीज़ें आप मतलब जितनी भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में बार बार पढ़ेंगे, जिस बारे में बार बार बात होगी, वो इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, टैक्स, कॉमर्स, एक्सपेंडिचर, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, तो ये जो वर्ड है इनसे डोनेट किया गया। तो आपने क्या करना है, जैसे आप अपने तरीके से पूछा जा सकता है वाई किसको डोनेट करता है, इनकम को डोनेट करता है, एन किसको डोनेट करता है, इंपोर्टर को, एक्सपोर्टर को, इस तरह आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्कुलर फ्लो रेफर टू द कंटिन्यू मूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन इनकम एंड रिसोर्सेज बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। सर्कुलर फ्लो जो है रेफर करता है कि कंटिन्यू मूवमेंट हो, मतलब लगातार मूवमेंट हो प्रोडक्शन की, इनकम की, रिसोर्सेज की बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर को। इससे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आप काम करते हैं एक फैक्ट्री में, ठीक है, आपको सैलरी मिलती है, आपने जाके क्या करना है, अपने बहन भाइयों की, बहन मामा को देनी है, मामा ने आगे से किया कि अपने आपके बहन भाइयों की फीस दे दी। जब उनकी फीस दी तो वो जाके फीस दी आपके कॉलेज में गई, कॉलेज में जब बहन भाई के कॉलेज में गई तो कॉलेज वालों ने क्या किया, उसी फीस से अपने एम्प्लॉयर को सैलरी दी। जब उन्हीं एम्प्लॉयर को सैलरी दी तो फिर वो जो पैसा था, जैसे आपसे लेकर कॉलेज स्कूल तक गया, स्कूल से लेकर फिर जब उनके एम्प्लॉयर की तरफ तक गया, तो उन्होंने क्या किया, आगे से बेसिक नीड की चीज़ें पूरी कर ली, तो फिर वही पैसा दोबारा से जाकर कंपनी की तरफ चला गया। तो ये हमारे पास क्या सर्कुलर फ्लो हो रहा है, यानी कि पहले आपके पास गया, फिर आपके भाइयों की फीस गई, फिर आपके भाइयों की फीस के साथ स्कूल पे गया, स्कूल पे जाने से बाद एम्प्लॉयर के घर गया और उन्होंने आपस में बेसिक नीड की चीज़ परचेज कर ली। उसके बाद हमारे पास हैं जी आके द कॉन्सेप्ट ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बहुत अच्छे से तरीके से समझना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं आर लीकेज एंड विड्रा। लीकेज एंड विड्रा दोनों सेम चीज़ें होती हैं। इस एंड एनी यूज ऑफ द इनकम रिसीव बाय द हाउस होल्ड डज नॉट रिटर्न एज रेवेन्यू टू डोमेस्टिक फर्म। ऐसी इनकम जो रिसीव बाय हाउस होल्ड डज नॉट रिटर्न, जिसका रिटर्न ना, मतलब कि मैं आपको इसको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि हमारे पास लीकेज होता क्या, लीकेज और इंजेक्शन में फर्क है। लीकेज वो चीज़ होती है, देखिए अगर आप कमाते हैं 10,000 कमाते हैं तो आप करते हैं कुछ सेविंग करते हैं, कुछ उसकी सेविंग करने के बाद आप उसमें 2,000 रख लेते हैं। जो 2,000 आप रखते हैं वो क्या है, आपकी लीकेज, क्योंकि जो 8,000 हो रहा है वो आपने एक्सपेंड कर दिया, वो सर्कुलर फ्लो में जा रहा है, वो दोबारा जाके सर्कुलर फ्लो होगा और दोबारा जाके कंपनी के पास चले जाएगा। लेकिन लीकेज जो आपने 2,000 रखे हुए हैं, जो सेविंग की है, वो बेसिकली वो लीकेज है, वो आपने सर्कुलर फ्लो से अमाउंट ड्रा कर ली है, तो वो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो वो हमारे पास क्या लीकेज है। तो आपने इसको पढ़ लेना है और इसकी जो 3-4 टाइप्स लिखी है इनको भी माइंड में रखना है। उसके बाद हमारे पास है इंजेक्शन। क्या होता है इंजेक्शन, मतलब कि इंजेक्ट करना, ठीक है, इंजेक्शन में इंजेक्ट करना। जैसे कि आपको ये भी मैं एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि देखें आप 10,000 कमा रहे हैं और आपका खर्चा ही 10,000 में पूरा नहीं होता, तो आप क्या करते हैं, उसमें पार्ट टाइम की जॉब करते हैं, ऑनलाइन की जॉब कर लेते हैं, फाइवर में कोई जॉब कर लेते हैं, ब्लॉगिंग कर लेते हैं, या कुछ भी एनीथिंग करते हैं, जिससे आप 5,000 रुपया इसे एक्स्ट्रा अर्न करते हैं, यानी कि आपकी जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 15,000 के, लेकिन आपकी सैलरी 10,000 की, जो 5,000 हैं वो आप पार्ट टाइम या ऑनलाइन वर्क कर जो आप अर्न करें वो इंजेक्ट करें, मतलब आपकी सैलरी सर्कुलर फ्लो के लिए 10,000 तो सर्कुलर फ्लो हो रही है, लेकिन उसमें 5,000 आप और इंजेक्ट कर रही हैं, तो वो 15,000 सर्कुलर फ्लो में आ रहा है, तो वो हमारा क्या है, इंजेक्शन। इसी तरीके से आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपने इसको पढ़ लेना। एक दूसरी बात ये है कि जो हमारा लीकेज होता है उसमें हम देखें सेव करते हैं, जब हम सेव करते हैं इट्स मीन कि हम लोग की डिमांड कम होती है और सर्कुलर फ्लो भी कम होता है, क्योंकि हमारी हम सेव में लगा देते हैं, सर्कुलर फ्लो में हमारी अमाउंट जाती ही नहीं है, पैसे जाते ही नहीं है इसलिए। और इंजेक्शन में ही है कि हम लोग ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं, ज़्यादा सर्कुलर फ्लो करते हैं, ज़्यादा सर्कुलर फ्लो भी होता है और डिमांड भी इंक्रीज होती है, तो इसके अगर डिफरेंस आया तो आप ये दो पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद है इंजेक्शन लीकेज मॉडल। अ मॉडल यूज इन इंडियंस इकोनॉमिक बेस्ड ऑन द इक्विटी ऑफ नॉन कमर्शियल एक्सपेंडिचर एंड नॉन कमर्शियल यूज ऑफ अ इनकम।
जी बेस करता इक्वालिटी होनी चाहिए बेस में, मतलब नॉन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में और नॉन यूज ऑफ इनकम में, वन साइड ऑफ द इक्वालिटी इन अ सेविंग टैक्स एंड इंपोर्टर द कंजम्पशन लीकेज। लीकेज होती है वो हमारे पास इंपोर्टर सेविंग और टैक्स को रिप्रेजेंट करती है। तो ये क्या होते हैं, वन साइड पे क्या होती है हमारे पास लीकेज में क्या होगी, सेविंग टैक्स और इंपोर्टेंट, अदर साइड ऑफ द इक्वालिटी इन अ टैक्स इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट परचेज इंपोर्टेंट। तो ये हमारे पास जो होती है वो हमारे पास ये इनका ये इंजेक्शन होती है और इनका भी आपस में मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब लीकेज और इंजेक्शन के अंदर इक्वालिटी होना जरूरी है। देखिए द इंजेक्शन लीकेज मॉडल प्रोवाइड अल्टरनेट टू द कंटीन्यूअस क्रॉस ऑफ आइडेंटिफाइड इक्विलिब्रियम एग्रीगेट आउटपुट। तो आपने इसमें ये याद रखना है कि दोनों इक्वल है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मार्केट इकोनॉमिक क्लासिकल व्यू। क्लासिकल व्यू जो है हमारे पास इन्हें काफी दिए हैं, आपने इसको याद करने कितना उसको करने की जरूरत नहीं है, अगर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मार्केट इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एंड किंग्स व्यू, किंग्स व्यू की मतलब कुछ थ्योरीज हैं, थ्योरीज कह रही हूँ इक्वेशन हैं। तो आपने इक्वेशन को माइंड में रखने जैसे कि एस प्लस टी प्लस एम इक्वल टू आई जी एक्स प्लस टी, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, हमारे पास ए एस इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू ए डी सी प्लस आई ए, ये सारी आपने माइंड पे रखनी है। उससे आपसे भी पूछा जा सकता है कि विड्रॉ की आपकी क्या इक्वेशन है और इंजेक्शन की क्या इक्वेशन, विड्रॉ की एस प्लस टी प्लस एम और आई प्लस जी प्लस एक्स, और आपको ये पता भी हो जाए एस से क्या पड़ता है, टी से क्या पड़ता है, एम से सेविंग टैक्स, की सारी चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, उसके बाद उन्होंने हमें जैसे कि बताया वाई इज इक्वल टू ए डी, ए डी इक्वल टू ए सी, जैसे बताया वाई से हमें शो हो रही है इनकम, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर और इक्वल टू आउटपुट। आगे हम चलते हैं, हमारे पास है जी कंजम्पशन एंड कंजम्पशन फंक्शन, इंपॉर्टेंट है कंजम्पशन। आपको पता है कोई भी चीज़ ऐसी हमारी नेशनल इनकम की अमाउंट जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं कोई चीज़ गुड एंड सर्विस खरीदने के लिए, वो हमारी होती है कंजम्पशन। और कंजम्पशन फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आप ये फंक्शन नजर आया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई डी इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ब्रैकेट वाई एंड टी। कंजम्पशन फंक्शन शेड्यूल रिलेटेड टू द टोटल कंजम्पशन ऑफ पर्सन डिस्पोजेबल इनकम, इट इज यूजली फंक्शन, ये फंक्शन है। आपने क्या करना है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये आपके पास डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है, और ये आपके पास कंजम्पशन है। जब हम डिस्पोजेबल इनकम से कंजम्पशन माइनस करते हैं तो हमारे पास सेविंग आती है। जैसे कि हम यहाँ में डिस्पोजेबल इनकम 500 थे और कंजम्पशन भी 500 कर दिए तो हमारी कोई सेविंग नहीं हुई। उसके बाद हमारी डिस्पोजेबल इनकम 555 थी, फिर 540 थी, उनको माइनस किया तो हमारे पास 10 रुपये बच गए। इसी तरीके से आपने निकाल लेना है। बहुत मोस्टली ऐसा होता है कि आपके पास से ऐसे टेबल आते हैं, मार्जिन प्रॉस्पेरिटी ऑफ इनकम पहले पिछले लेक्चर में डिस्क्राइब बता चुके हूँ। सेविंग फंक्शन, सेविंग फंक्शन जो हमारे पास सेविंग इज इक्वल टू सी प्लस टी ब्रैकेट वाई एंड डी। तो सेविंग फंक्शन द अमाउंट ऑफ सेविंग डेट हाउस, ऐसी अमाउंट जो आप सेव कर लें, ठीक है, ऐसी अमाउंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ अमाउंट 10,000 में से 2,000 आप सेव करके रख लें तो वो आपकी सेविंग है। ये क्या होती है, पॉजिटिव होती है, यूजली लेस देन 0.5, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है किससे लेस देन होनी चाहिए, तो 0.5 से लेस देन होनी चाहिए। तो आगे हम चलते हैं, ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस हैं। तो अगले हम चैप्टर में चलते हैं, अगले चैप्टर में हमारा है जी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट डिमांड का, जैसे कि आपको पता है आपको अमाउंट सेविंग करके रखे हो उसके बाद उसको किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और फ्यूचर में आपको उम्मीद होगी उसमें से कहते हैं कोई आउटपुट इंक्रीज होगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट में समझाने की जरूरत नहीं। द इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व शो द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड द कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ द फर्म। अब उन्होंने कहा है कि तो इन्वेस्टमेंट डिमांड कर्व है वो शो रिलेशन करता है इन्वेस्टमेंट के कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ द फर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट कर लें, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो इकोनॉमिक में है वो हमारे से इक्वेशन और रिलेशनशिप पूछ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ बोरिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज मोर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस यूजिंग अ बोरिंग सोर्स। अब इनके कॉस्ट क्यों, उसका कॉस्ट ऑफ बोरिंग के साथ लिंक है, क्योंकि जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम क्या करते हैं उधार लेकर करते हैं, यानी लोन लेकर करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट एंड सच अ बोरिंग इन्वेस्टमेंट, अगर कहते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर अपनी सैलरी से बचा कर कर रहे हैं तो वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है, लेकिन अगर आप उसको उधार लेकर इन्वेस्टमेंट करें सारी बात उसको अपने इंटरेस्ट पर देना होगा तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आगे हमारे पास चलते हैं, आगे हमारे पास है टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब टाइप है इन्वेस्टमेंट की कि हम इन्वेस्टमेंट क्यों लेते हैं, क्यों करते हैं। पहले रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्टिव, रेजिडेंशियल मतलब घर, कंस्ट्रक्टिंग घर बनाना,
हम जो करते हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, मतलब सेविंग करते हैं, इसलिए सेविंग करते हैं ताकि हम घर बना सकें, बिल्डिंग बना सकें। हमारा जो है पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा ये है कि वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सर्व कर देते हैं, मतलब हाउसिंग स्कीम बनाने में। हाउस बनाने को पता है, हाउस बना देंगे तो हमें फ्यूचर, हम लोग उसे रेंट लेकर अर्निंग कर सकते हैं। नॉन रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन डिपेंड अपॉन द बिलिंग ऑफ अ बेल्टी ऑफ फार्म टू द कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम कमर्शियल प्रोस्पेक्टिव पे भी यूज करते हैं, मतलब कमर्शियल किसी भी चीज़ के लिए यूज करते हैं, बिजनेस मकसद के लिए यूज करते हैं, एडिशनल स्पेस के लिए बनाने के यूज करते हैं, बिजनेस यूनिट को इंक्रीज कर यूज मतलब बिजनेस यूनिट में हमें आगे पैसे कैपिटल कम है तो उसमें लगा देंगे। डिमांड फॉर द प्रोड्यूसर एंड ड्यूरेबल परचेजिंग डिपेंड ऑन यूटिलाइजिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन कैपेसिटी। अब हमारा क्या है कि हम क्या करते हैं, डिमांड फॉर प्रोडक्ट, हमारी न्यू एडवांसमेंट आ जाती है, ठीक है। मतलब कि पहले हमारी ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, फिर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो एडवांसमेंट लाने के लिए जो हम डिमांड मतलब चीज़ें लेते हैं इन्वेस्टमेंट की हुई होती है, तो उससे हम न्यू चीज़ें लेते हैं ताकि हमारी भी प्रोडक्शन और कंपटीशन लेवल ज़्यादा रहे। तो वो हमारी क्या होती है, द चेंज फॉर द डिमांड फॉर प्रोड्यूसर। उसके बाद चेंज इन द बिजनेस इन्वेंट्री डिपेंड ऑन द करंट एक्सपेक्टेड सेल से करंट एंड एक्सपेक्टेड सेल इन्वेंट्री परचेज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करते हैं इन्वेस्टमेंट को खर्च करते हैं। यानी कि ये हमारे पास वो टाइप है कि हम इन्वेस्टमेंट को कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। तो जो मेन टाइप है वो हमारे पास रेजिडेंटल और नॉन रेजिडेंटल है, ठीक है। रेजिडेंटल के पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर रेजिडेंटल में करता है, क्योंकि लोगों का ये मानना होता है कि हम लोग अगर अपने घर बना लेंगे तो पूरी ज़िंदगी वो खा सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई लेवल पर देखें तो हाँ, उनका क्या होता है कि उनके पास करोड़ों की वो होती है इन्वेस्टमेंट, लेकिन वो कर नहीं लेते हैं। उनको पता है 25 और 30 लाख का हम घर लेंगे, और अगर हम उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हम 5-6 लाख रुपये कमा लेंगे। तो हमारी जो अपर केस, इसी वजह से अपर केस होती जाती है, क्योंकि उनका माइंड सेट चेंज है। तो हमारी लो केस है, लो क्लास है, वो ये सोचती है, उनका माइंड भी छोटा लेवल का, वो काम भी छोटे लेवल पर करती है। उसके बाद है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर। इम्पोर्टर, जैसे कि आपको पता है कि इम्पोर्टर आर द गुड एंड सर्विस दैट इज प्रोड्यूस इन अनदर कंट्री। ऐसे इम्पोर्टर इम्पोर्ट के हम कंट्री को प्रोड्यूस करेंगे इन अदर कंट्री को, इन द होम कंट्री। यानी कि हम अपनी जो चीज़ है वो हम लोग सेल करेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट। जब हम अपनी मतलब अपनी कंट्री की जो चीज़ जो है तो हम बाहर सेल करेंगे, एक्सपोर्ट। और जब हम दूसरे की कंट्री से चीज़ लेंगे तो वो हमारा होता है इम्पोर्ट। उसके बाद हमारे पास है ट्रेड बैलेंस। ट्रेड बैलेंस बेसिकली होता है बैलेंस ऑफ फेवर फेवर, ठीक है। बैलेंस यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में आपस में बैलेंस होना चाहिए। अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बैलेंस नहीं होगा तो हमारा ट्रेड बैलेंस अनफेवरेबल होगा। यहाँ लिखा हुआ ट्रेड बैलेंस एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट अवर इम्पोर्ट। जब ट्रेड बैलेंस एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा तो हमारा क्या नेगेटिव होगा, डेफिसिट होगा, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट जो है कम होनी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए और इम्पोर्ट कम होनी चाहिए। मतलब क्या, अगर हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगी यानी कि हम लोग बाहर से ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे और हम इम्पोर्ट कम करेंगे तो हमारी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रहेगा और सरप्लस रहेगा। और अगर हम एक्सपोर्ट जो है क्या कहते हैं वो इसी के ऑपोजिट कर लेंगे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, तो हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट रहेगा। तो हमने इसको ध्यान रखना है। उसके बाद हम क्या, फिजिकल पॉलिसी, जब गवर्नमेंट प्रोग्राम फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, हम देखते हैं कि हमें जो हमारे पास जो पैसे हैं हम उसको कैसे स्पेंड करना है, किस तरह लोगों को सब्सिडी देनी है, किस तरह अनएम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, किस तरह टैक्स को यूटिलाइज करना है, तो ये हमारे पास आ गया है। तो T-G इज रेफर टू द फिजिकल बैलेंस। T-G रेफर टू द फिजिकल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ जी ग्रेटर देन द टी इज द फिजिकल बजट एंड बजट डेफिसिट, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि बजट डेफिसिट कैसे शो हो रहा है, और जी सी देर इज द फिजिकल बजट सरप्लस इतना शो है, टी देर इज द बैलेंसिंग बजट। इसको बैलेंसिंग बजट या बैलेंस ऑफ फेवरेबल या BOW कहते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे सारी क्वेश्चंस हैं, इसको भी आप चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन इतनी खास इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी चैप्टर, यहाँ हमें सारे कर्व वगैरह दिए हैं, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत बहुत ही कम ऐसे होता है कि आपके कर्व आए और उनको आप एक्सप्लेन करें। तो आगे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारा एम्प्लॉयमेंट के बारे में, यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है। द फोर बिग माइक्रो इकोनॉमिक इशू ऑन देयर इंटर रिलेशनशिप, आपसे पूछा भी जा सकता है कि फोर बिग प्रॉब्लम क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो आपके पास फोर बिग प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम
एंड लैक ऑफ अ ग्रोथ। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है कि आपके जो कंट्री के अंदर है लोगों को रोजगार ना मिल रहा हो। तो ये जो जितना भी सारा हमने दिया हुआ है इसमें ये लिखा हुआ है कि ग्रेट जो हमारी मतलब क्लासिकल इकोनॉमिक्स थे वो कहते थे कि कंट्री के अंदर फुल इम्प्लॉयमेंट है। हालांकि ऐसा नहीं है, जब क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बाद हमारे पास जो नए इकोनॉमिस्ट आए थे उन्होंने हमें बताया कि कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। ये कंसेप्ट उनका सिर्फ वहाँ तक रहा था जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था। 1977 के अंदर जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उनका ये कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गया। नीचे उन्होंने हमें ये बताया कि हिस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट में कौन सी कंट्री का डिप्रेशन इतना था, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट कितनी थी, ये सारी चीज़ें हमारे हमें उन्होंने बताई हुई है। उसके बाद लिखा हुआ है, इसको आपने पढ़ लेना है, फॉर द एमसीक्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। न्यू यॉर्क हैज़ अ सब वॉर टू द टेरिटरी यूएस एंड इट इज एनी, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, पढ़ लें क्योंकि इसमें क्या बताया एमसीक्यू के लिहाज से। डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आपको मैंने पहले बता दिया। एक यहाँ इम्पोर्टेंट है, अ रेट ऑफ 3 and 4% यूजली कंसीडर इज लो। अगर आपकी कंट्री में रेट 3 and 4% है अनएम्प्लॉयमेंट का, इट मीन के वो लो है। 10 and 50% है तो वो हाई है, और अबर 20% तो एक्सट्रीम हाई है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। उसके बाद है अनएम्प्लॉयमेंट के लिखा द स्टेट इन विच अ पर्सन विदाउट अ वर्क, जो आपको मैंने बता दिया। टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास क्या है, पहली टाइप है अ वर्कर मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर अनदर। फॉर एग्जाम्पल देखें, आप एक एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, एक जॉब करता है और वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एक जॉब को छोड़ देता है और दूसरी जॉब की तरफ मूव करता है, तो इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। दूसरा है स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मिसमैच बिटवीन द लोकेशन ऑफ अ जॉब एंड लोकेशन ऑफ जॉब सेकर। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसको जॉब तो चाहिए लेकिन उसकी लोकेशन ही मिसमैच कर रही है, उसकी लोकेशन किधर और है, वो जॉब नहीं कर सकता, इस वजह से भी स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट ये होती है। थर्ड हमारे पास है द डेफिसिट अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन देयर इज नो इनफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब जो हमारी बंदा है जिसके उसने पढ़ा है उसकी स्किल है उसकी डिमांड ही नहीं, इस वजह से भी हो सकती है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉज बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ अ वर्क। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एक बंदा एक बंदे काम कर रहे हैं, जैसे क्या पता है न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, तो एक बंदा जो काम कर रहा है ठीक है, जगह टेक्नोलॉजी आ गई है तो टेक्नोलॉजी से काम करेगी तो बंदे काम नहीं करेंगे, तब भी अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है। क्लासिकल एंड रियल वेज पे अनएम्प्लॉयमेंट अकर व्हेन द रियल वेज ऑफ फॉर अ जॉब कंसर्न अबव द मार्केट क्लियरिंग लेवल। मतलब रियल वेज रेट अच्छा ही नहीं है कि लोग काम करें, एक वेज रेट उन्हें सेट कर दिया मार्केट वालों ने तो बस वही वेज रेट होगा। तो कॉस्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं काम करने से बेहतर कि हम लोग फारिग ही रहें। अब उसके जो मुख्य फैक्टर उन्हें जी हमें ये पॉइंट्स में बताया, आउटपुट एनहेंस द नेशनल इनकम इज अ लो देन द पोटेंशियल। जो हमारा आउटपुट है वो काम ही नहीं करेंगे तो नेशनल इनकम बढ़ेगी नहीं, तो हमारा लो देन पोटेंशियल होगा। गवर्नमेंट लूज टैक्स रेवेन्यू, जब वो काम ही नहीं करेंगे सैलरी नहीं करेंगे तो टैक्स कहाँ गवर्नमेंट लेगी। फर्म लूज रेवेन्यू एज दे हैव एम्प्लॉय मोर वर्कर एंड प्रोड्यूस एंड सेल्स मोर। अब फर्म क्या करेंगी, अपना रेवेन्यू लूज करेंगे कि वो तो क्या कह रही है वर्कर हायर कर रही है प्रोड्यूस कर, लेने वाला क्यों ना हो तो फिर क्या उसको बुधारी बात, रेवेन्यू लूज करेगी। अदर वर्कर लूज एडिशनल वेजेस रेदर देन वी माइट बी अदरवाइज हैव बीन टू अर्न विद द हाई नेशनल आउटपुट। ये सारी चीज़ें आपने इसको पढ़ लेनी है। उसके बाद हमारे पास है जी लेबर फोर्स डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट आखिर क्यों है, इसकी क्या वजूहत है। नंबर एक, एग्जिस्टेंस ऑफ चाइल्ड लेबर। अब जैसे कि हैं हमारे बच्चे स्कूल के, पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, जो पावर्टी इलाके हैं वो क्या करते हैं कि अपने बच्चों को भी क्या कहते हैं काम पे लगा देते हैं, तो जो अडल्ट चाइल्ड लेबर सस्ती पड़ती है, तो वो सस्ती के चक्कर पे सारे बातें इंप्लॉय के करेंगे, कहेंगे 1-2 महीने लगा कर इसको हम ट्रेन कर लेंगे और हम सस्ते में चीज़ परचेज कर लेंगे, तो वो ज़्यादा प्रेफरेंस करती है कि चाइल्ड लेबर को रेदर देन द अडल्ट को। इनकम्पिटेबिलिटी बिटवीन द स्किल एंड जॉब, मतलब कि एक बंदा है उसकी जॉब है लेकिन उसको स्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रट्टा है उसको स्किल ही नहीं। हम लोग कहते हैं बस पढ़ ले तो काफ़ी है, अगर हमारे पास स्किल हो तो हमें कोई भी जॉब मिल सकती है। ये वजह है पीपल डूइंग मोर देन वन जॉब। और एक बंदा है वो एक जॉब तो कर रहा है ठीक है, एक जॉब कर रहा है, उसके साथ एक और जॉब भी कर, जैसे डॉक्टर है वो मॉर्निंग से हॉस्पिटल में बैठ जाता है, शाम को अपने क्लिनिक में बैठ जाता है। इस तरह जो जॉब का है पार्ट टाइम जो कर रहा है वो जॉब, उससे दूसरे बंदे भी अनएम्प्लॉयमेंट रहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एज द एज स्टेट टू द अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत से लोग इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग मांग के ले लेंगे, मतलब हम लोग मांगेंगे हमें काम करने की जरूरत है, तो लोगों से मांग कर उस बेनिफिट को भी अचीव करते हैं, ले लेते हैं। उसके बाद है मॉनिटरी व्यू,
इसके में सिर्फ मैं आपको इतना बता दूँ, इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, कि क्लासिकल व्यू के मतलब इस थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि जो आप एक्सेप्ट करें, हर कोई कोई भी तरीका, जैसे मतलब फोर्स जोर लगा कर बस जॉब एक्सेप्ट करवानी है आपने, इसमें ये है कि हर बंदे को जॉब डंडे के तौर पे आपने एक्सेप्ट करवानी है। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट है क्लासिकल व्यू। हमारा क्लासिकल व्यू कहते हैं अगर वेज रेट को डिक्रीज कर दें, मतलब कि एम्प्लॉय की जो सैलरी उसको कम कर दें, तो हम ज़्यादा एम्प्लॉय रख सकते हैं, तो ज़्यादा एम्प्लॉय रखेंगे तो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास स्कीम्स व्यू क्या कहता है कि गवर्नमेंट क्या करे, सर्कुलर फ्लो ज़्यादा करे, मतलब गवर्नमेंट इंजेक्ट करे, मतलब जो हमारे बाहर के लोग हैं वो क्या करें कि वो बाहर से पैसा कमाएं और कंट्री के अंदर लाएं। जब वो कंट्री के अंदर लाएंगे ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर पैसे आ रहे हैं, वो बाहर से करेंगे तो बाहर से जारी बात है उनका सर्कुलर फ्लो कम होगा, पाकिस्तान का सर्कुलर फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। जब सर्कुलर फ्लो ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इंजेक्ट करेगी, सर्कुलर फ्लो ज़्यादा होगा तो उससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। तो आगे हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट 3 पे हम आगे के लेसन कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, कि करने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और मेरी वीडियो को दूसरे के साथ लाजमी शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।